प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। विभाग के माध्यम से वृद्ध आश्रमों, दिव्यांग तथा नारी सेवा सदन संचालित किए जा रहे हैं। ये बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने महादेव में आयोजित एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर के दौरान कही। महिला बाल विकास एवं बाल संरक्षण विभाग द्वारा नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 0 से 5 वर्ष तक के शिशुओं को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 60,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं कार्यरत है तथा इस पुनित कार्य में अपना अहम योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निकट भविष्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत 4 सालों के दौरान प्रदेश में 808 आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है तथा शीघ्र ही रिक्त पड़े 139 पदों को भी भर दिया जाएगा। बिल्कुल बड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है बहुत दिनों से लंबित है, हमारे प्रदेश में इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इस अभी कुछ ही दिनों में यह मानदेय अवश्य बढ़ेगा। कर्नल धनीराम शांडिल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने का लोगों से आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने बेटी है अनमोल योजना के तहत PPL परिवारों में 2 बेटियों के जन्म पर दी जाने वाली 10-10 हज़ार रुपए की FT भी प्रदान की। उन्होंने मुस्कान योजना के 7 लाभार्थियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की। उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 5,001 रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।